इंडियन पिनल कोड का कुछ सेक्शंस हैं, 52 ए तक हमने कवर किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने हूँ आईपीसी एमसीक्यूज सफलता सुविधा पर। पहला क्वेश्चन है कि द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन अंडर जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद लोकल एरिया ऑफ सच ज्यूरिसडिक्शन, अ प्लेस वेयर सच पर्सन इज फाउंड, नेशनलिटी ऑफ द पर्सन, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मैकॉले, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सी, लॉर्ड मैकॉले। द इंडियन पीनल कोड इज डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी चैप्टर्स एंड हाउ मैनी सेक्शंस? ऑलवेज रिमेंबर देर आर 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस इन आईपीसी। आपको याद रखना होगा कि 23 चैप्टर्स में और 511 सेक्शंस में हमारा आईपीसी डिवाइडेड है। द इंडियन पीनल कोड 1860 वॉज इनेक्टेड ऑन, इट वॉज इनेक्टेड, देर आर टू थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द आईपीसी, इट वॉज इनेक्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1860 एंड इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1862। ये इनेक्ट हुआ था, पास हुआ था 6 अक्टूबर को 1860 में और ये जब लागू किया गया 1 जनवरी 1862 से। ओके, तो देखिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम, ब्रिटिश इंडिया जब था उस समय, ब्रिटिश एरा टाइम में, उस पर्टिकुलर एरा में द एक्ट वॉज इनेक्टेड। ओके, तो मोस्टली जो प्रोविजन थे लॉर्ड मैकॉले द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था। स्टिल मोस्ट ऑफ द प्रोविजन आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अमेंडमेंट हुए हैं मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफी परफेक्शन के साथ इसे तैयार किया गया था। भारत में स्वतंत्र होने से पहले करीबन 4 लॉ कमीशन इशू किए गए थे। ओके, कि जो भारत में लॉ की रिक्वायरमेंट थी उस आधार पर 4 लॉ कमीशन इशू किए गए थे। उसमें पहले लॉ कमीशन में रिकमेंडेशन दी थी कि वी नीड अ पीनल लॉ। ओके, तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड बनाया गया था जिसमें अपराध और अपराधों की परिभाषा के साथ साथ पनिशमेंट की व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड, द पर्सन हैविंग सफिशिएंट फूड बट डज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू अ बेगर हु डाइज ऑफ हंगर, एक्स वाई जेड इज गिल्टी ऑफ? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, नो ऑफेंस। तो ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ओके, द करेक्ट आंसर इज नो ऑफेंस। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटीज एम्बडीज इन द मैक्सिम एक्टस नॉन पेसिट्रियम निसिमेंस सिट्रिया, द मैक्सिम वॉज डेवलप्ड बाय इक्विटी कोर्ट, कॉमन लॉ कोर्ट, सदर निजामत कोर्ट, नन ऑफ द अबव। देखिए द मेन आंसर इज कॉमन लॉ कोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ से डिराइव्ड है, इंग्लिश लॉ है वो कॉमन लॉ से डिराइव्ड है। तो बेसिकली हम बात करें कॉमन लॉ सिस्टम की, जब और जो सदर निजामत जो कोर्ट्स थी, ठीक है ना, और सदर और निजामत कोर्ट्स वगैरह जब एस्टेब्लिश थी कोर्ट में, जिसमें पर्टिकुलर सिविल और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो डिसीजंस किए जाते थे, तो उस समय क्या था कि हमने जो प्रेजेंट लीगल सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया है। तो ब्रिटिशर्स ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कॉमन लॉ सिस्टम से। तो प्रेजेंटली जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, ओके, किसी भी रूप में उसका बेसिक ऑरिजिन है हमारा कॉमन लॉ सिस्टम। तो इंडियन मोस्टली लॉ को अगर आप कहते हैं वो किसमें आ गया, आपको कॉमन लॉ सिस्टम से ओरिजिनेटेड है। तो ये जो मैक्सिम है एक्ट एस नॉन प्रेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया, तो मेंसरिया की जो बात करने वाली ये जो मैक्सिम है आपकी जो गिल्टी माइंड की बात करती है, वो उसका ऑरिजिन कॉमन लॉ कोर्ट से माना जाता है इस पर्टिकुलर मैक्सिम का। ओके, और आपने इसे पढ़ा होगा, चलिए कॉमन लॉ सिस्टम में जब हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम इसे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्ट एस नॉन प्रेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन लॉ कोर्ट। रॉन्गफुल गेन मीन्स, क्या होगा इसमें परिभाषा? हमने देखिए डेफिनेशंस देखी, जनरल क्लॉजेस जो जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज जब रॉन्गफुल गेन का मतलब है गेन तो हुआ है, गेन का तरीका क्या होगा? अनलॉफुल तरीके से, कि मतलब जिस व्यक्ति को गेन हुआ है ही वाज एक्चुअली नॉट एंटाइटल्ड
फॉर दैट. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड. देन फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली कौन से सेक्शन पे बताया गया है? 25 में, आईपीसी के 25 में. Then a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all. क्या होगा आगे? Section 34 की हम बात कर रहे हैं कि each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Which among these codes is included in the schedule to the prevention of money laundering? एक्ट 2002, आईपीसी. द करेक्ट आंसर इज आईपीसी. वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑन आईपीसी. तो इसका जो आंसर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिस शेड्यूल में जिसे शामिल किया गया, जिस एक्ट को, हुआ है इंडियन पिनल कोड 1860. ओके, टू एस्टेब्लिश सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी क्या जरूरी है? द करेक्ट आंसर इज ए, कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड but no overt act be proved. Okay, section 34 of IPC, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकांश जुडिशरी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. What is section 34? Section 34 is a rule of evidence. 34 क्या है? It is a rule of evidence. Okay, section X and Y go to murder Z. X stood on guard with a spear in hand but did not hit Z at all. Y killed Z. Okay. अब इसमें क्या होगा? X and Y both are liable for murder of Z. ठीक है ना, X and Y दोनों ही murder के लिए liable है. Voluntarily has been defined as an effect caused by means whereby a person intended to cause it or by means at the time of employing those means know or had reason to believe to be killed to cause it under voluntarily. कहाँ पे define किया गया है? Section 39 में. The correct answer is A. याद रखिएगा, ये याददाश्त पर, memory पर आधारित है. Section 39 की बात कर रहे हैं, 14 में A की बात कर रहे हैं हम. फिर है कि under section 45 life denotes life, कौन सी, किसकी life की बात की गई है? एनिमल की, ह्यूमन बींग की, ह्यूमन बींग और एनिमल दोनों की, या ह्यूमन बींग या एनिमल की? तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बींग. लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग. डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग. ओके, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग, सेक्शन 46. इलीगल मीन्स, वट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल? एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एवरीथिंग विच इज फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो हमने देखा था, जब हमने इलीगल की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें तीन चीजें हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन. तो ये तीनों चीज इसमें आएंगी आपको. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. 18. एनिमल डिनोट्स, एनिमल का अर्थ क्या होगा? एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बींग, एनी क्रिएचर लाइव और डेड, और इधर ए और सी. द करेक्ट आंसर इज बी, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बींग. हार्बर कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है? हार्बर इज द लास्ट सेक्शन ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशन एंड इट इज 52A. ओके, 52A, इट इज द लास्ट. हार्बर का अर्थ होता है संशय, आश्रय देना किसी को, अपराधी को. ओके, विच वर्ड डिनोट्स मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज और which may be used as evidence of that matter. Bataiye, the correct answer is document. Okay, to ye the aage ki class mein, next class mein hum jo 53 mein jo punishment related jo topics hain wo start kar rahe hain. Hum agli class mein wo dekhte hain. Thank you so much.